और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां रघुवीर नगर में बीती रात दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने आए शख्स की पीट पीट कर हत्या तक कर दी गई। इस मामले में चार आरोपियों को धर दबोचा गया है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा की ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में हुए संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। ये रघुवीर नगर का वही इलाका है जहां पर जो महिलाएं हैं वो विलाप करती दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं। दरअसल दो घर जो हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर हैं, जहां पर पति पत्नी के झगड़ा हो रहा था, जिसको लेकर पड़ोसी मुकेश उनके पास गया कि घर की बात घर में सुलझाएं, और इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हुआ क्या, पूरी बात बताइए। हुआ क्या था, ये कूड़े डालने जा रहा था ये मुकेश, तो वहाँ ये इसमें लेडी रहती है, उसका नाम क्या है, प्रियंका जो नाम किया, उसके देवर से उसकी कोई बात हो रही थी, तो वो गंदी गंदी गाली बक रहा था, तो इसने मना किया कि यहाँ गाली फाली मंदो, यहाँ सबकी बहन बेटी है। इसी बात पे कोई बात, इसी बात को लेके हो गई कोई बात, तो उसी पे मतलब उसने फ़ोन कर दिया लड़कों के लिए, अपने अपनी पार्टी वालों की, तो वो कम से कम 30-40 लड़के आए, डंडा वंडा पिस्टन भी थी एक पे, और वो सीधे मारते ही चले आए, तो रूपेश यहीं खड़ा था, मैं भी नीचे खड़ा था, रूपेश स्लैब पर खड़ा था ऊपर, तो उसको पकड़ के खींच लिया। झगड़ा मुकेश के साथ हुआ, भाई के साथ? हाँ, तो मुकेश के साथ हुआ था, रूपेश छोड़वाने ऐसे ही छोटे भाई के साथ, मुकेश तो ऐसे ही, रूपेश तो ऐसे ही खड़ा था, उसको पकड़ के खींच लिया, उसके घुसा डंडे लात वो मारते रहे, हमने बचाया तो हमारे भी काफी चोट लग गई, ये फ्रैक्चर भी हो गया, और फिर वो माने नहीं किसी की मत पे। मुकेश ने कहा और उसके छोटे भाई रूपेश की इस पूरे मामले में जांच चली गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।